हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि, स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों थोड़ा सा गले में खराश है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पॉन्ज बम के बारे में। इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि आखिर स्पॉन्ज बम कैसे काम करता है और आखिर इजराइल ने इसे क्यों बनाया और क्या सच में बना भी लिया है या नहीं, उसको भी हम समझेंगे। देखिए स्पॉन्ज बम किस लिए बनाया गया, आपको पता है कि इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। उन्होंने क्या किया है, गाजा पट्टी के नीचे बहुत बड़ी दुनिया बना ली है। आप समझ सकते हैं कि नया शहर बना लिया है। उसकी लंबाई कितनी है, 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर में फैली हुई है। गहराई एक एक सुरंगों की गहराई 50 से लेके 70-80 मीटर तक है। तीसरी चीज कि सुरंगों की जो संख्या है वो कितनी है, 1300 है। दो चार नहीं, 10-20 नहीं, 1300 सुरंगें हैं। चौथा कि वो कॉन्क्रीट से बने हुए हैं। अभी क्या था, आयरन स्टिंग करके एक हथियार लाया गया था। इस उम्मीद से लाया गया कि हम सुरंगों को बंद कर सकते हैं, सुरंगों को तोड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ। तो अब क्या करें, तो अब एक और नए तरीके का ये बम लाया है जिसका नाम है स्पॉन्ज बम। स्पॉन्ज बम क्या है, लेकिन हम समझेंगे, उससे पहले हम इसका नमूना भी देख लें। यहां पे आप इसको देख सकते हैं, ये ऐसे काम करता है। तो यहां पे दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये केमिकल को मिला रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, यहां पे बहुत बड़ा यहां पे विस्फोट होता है, एक तरीके से जो गाज होता है उसका विस्फोट होता है और यहां पे हमें एक तरीके से मिलता है। अब नॉर्मली आपने ये देखा होगा कि जो गाज होता है हम क्या करते हैं उसका, वो नॉर्मली एक तरीके से काफी हल्का होता है वो, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। इनको इतना ज्यादा डेवलप कर लिया गया है, इतना ज्यादा इनको विकसित कर लिया गया है कि जैसे ही ये टेम्परेचर में आते हैं, एयर के टेम्परेचर में आते हैं, ये पूरी तरीके से सॉलिड के फॉर्म में हो जाते हैं। और सॉलिड वैसा वैसा सॉलिड नहीं, ये ऐसे ठोस पदार्थ बनते हैं कि इनको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब आप समझिए कि इन्होंने क्या किया कि सुरंगों के बीच में जाके इन स्पॉन्ज बम को क्या किया, विस्फोट कराया। तो जो सुरंगें हैं आप समझ सकते हैं, जब ये फैलेंगी तो बहुत बड़ा एक रॉक स्ट्रक्चर बना लेंगी, ठीक है, ठोस स्ट्रक्चर बना लेंगी जिसको तोड़ना हमास के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इस तरीके से ये क्या करेंगे, उनको रोक पाएंगे। तो ये पूरा मामला इस तरीके से बनाया गया है। दोस्तों जब मैं ये लेक्चर बना रहा था, ठीक है, तो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन एक चीज समझ में आई कि इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिसर्च हुआ था, ऐसा नहीं है कि इजराइल इसे अब बनाया है। हालांकि 2021 में इसकी टेस्टिंग कर ली गई थी, इसे सेना के अंदर डाल भी दिया गया था, लेकिन इसका जो यूज हुआ था 1980 में अमेरिका ने पहली बार किया था। क्यों किया था, जब अमेरिका युद्ध लड़ रहा था तो उनको जो कैदी थे उनको पकड़ने के लिए, जो टेररिस्ट उनको पकड़ने के लिए, ये क्या करते थे कि उनके पैरों में ये बम को मारते थे। तो ये क्या करता था, उनके पैरों में जाके सॉलिडिफाई हो जाता था, तो तुरंत वो क्या करते थे, गिर जाते थे और फिर उन्हें पकड़ लिया जाता था। तो उसी को देखते हुए इजराइल ने क्या कि इसको बहुत ही बेहतर बनाया। हालांकि इजराइल को इतना पता था कि अगर सुरंगें बनेंगी उनसे लड़ने के लिए इन्होंने ये चीज बनाई थी, तो ये काफी ज्यादा किफायती है, इसीलिए इसको बनाया गया है। तो मेन जो प्रॉब्लम थी कि सुरंगों को ढकने के लिए इन्होंने ये बनाया है, लेकिन अब हम दोस्तों ये जानेंगे ये कैसे काम करता है, इसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। दोस्तों ये सिल्वा मेथड आप देखेंगे तो माइंड वैली जैसे बड़े कंपनी क्या करते हैं, इसको लाखों रुपए में बेचते हैं, ठीक है, 50 से 50 हज़ार रुपये 60 हज़ार रुपये में आपको ये मिलते हैं, लेकिन ये हम इंडिया में लाए हैं मात्र 299 में, जब आप Flow25 कोड आप यूज करेंगे। दोस्तों ये जो कोर्स है आपकी जो एफिशिएंसी है इसको बढ़ाती है। जब हम फ्लो की स्टेट में जा पाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो 5 गुना बढ़ जाती है। रिसर्चर ने लगभग 100 साल तक रिसर्च किया, तब उन्होंने देखा कि अगर कोई इंसान फ्लो में होगा तो टॉप परफॉर्मर बन सकता है, यानी कि आप टॉपर बन सकते हैं अपने क्लास में, अपने काम में। अब दोस्तों इसकी हम बात करेंगे कैसे बम काम करता है। देखिए ये जो बम है दोस्तों, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक तरीके से थैला है, आपने देखा वो दो थैली थी, एक बॉक्स था नीचे, एक नीचे टैंक था, यहाँ पे कुछ लिक्विड रखा हुआ था और एक ऊपर था जो टैंक ऊपर से गिराया गया, उसमें से इसमें जब कुछ गिरा तो वो लोग भाग गए, फिर ये जो गाज था बाहर निकल आया, बहुत बड़े लेवल पे फैल गया, ये आपने देखा। लेकिन अब दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, कैसे ये बम के रूप में काम करता है, क्योंकि वहां तो मिलाया गया लेकिन जब आपको सुरंगों में भेजना तो आपको बम के रूप में बमबारी करनी पड़ेगी, आपको लॉन्च करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, इसको एक जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर दो लेयर बनाते हैं। एक जो लेयर होता है यहां पे आप देखेंगे, इसके अंदर एक लिक्विड होता है और एक लेयर होता है इसके अंदर एक और लिक्विड होता है। अब बीच में क्या होता है, यहां पे आप देखेंगे तो ये रॉड बना दिया जाता है, ठीक है, ये जो रॉड होता है ये इन दोनों लिक्विड को मिलने से रोकता है, क्योंकि अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे,
फिर से गाज बन जाएंगे और गाज बनेंगे तो विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए ये जो रॉड होता है इनको रोकता है। जी जी आपने समझी। अब क्या होगा जब इन्हें फायर किया जाएगा, जैसे इन्हें फायर किया जाएगा या तो ये जो रॉड है या तो ये बाहर निकल आएगा, या तो फायर होने के बाद, जैसे मान लीजिए ये गुफाएं हैं, इन्होंने क्या किया इनकी दीवारों में फायर कर दिया, तो जैसे इसे टकराएगा ये टूट जाएगा, ये क्रैक हो जाएगा, और क्रैक होने के बाद ये दोनों जो लिक्विड है आपस में मिल जाएंगे, और जैसे ये मिलेंगे, ठीक है, जैसे ये मिलेंगे उसके बाद क्या होगा, ये तुरंत एक तरीके से गाज इनका है जो स्पॉन्ज है बहुत तेजी से फैलेगा, बहुत तेजी से फैलेगा और फैल के, जैसे मान लीजिए गुफा है यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत तेजी से फैलेगा और ये तो पहले यहाँ तो कवर करेगा, इनको ढकेगा ही, लेकिन अब गाज और फैलना चाहता है, गाज और फैलना चाहता है, तो क्या होगा, जो बम है ये ब्रेथ में, चौड़ाई में भी ये काफी गहरा तक ये क्या करेगा, दरवाजे को बंद कर देगा। अब जो गुफाएं होती है आपको पता दोस्तों वो काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ होती हैं, तो जैसे ही इनके अंदर आ जाएगा तो हमास के लिए फिर क्या होगा, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, एक तरीके से जो गुफाएं होंगी ये पूरी 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 की पूरी सील हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, जो लगभग इनकी 1300 गुफाएं हैं उनको ये क्या करेंगे, बंद करेंगे। ये काफी एडवांस रिसर्च है दोस्तों, ऐसा नहीं है जैसे हमें लगता है कि बहुत आसान है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कम टाइम के अंदर इसको तुरंत लिक्विड से फॉर्म में बदलना, फॉर्म में बदलने के बाद इसको तुरंत ही सॉलिडिफाई होना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। इसका मतलब कि ये जो केमिकल यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्ट करते हैं एयर में आने के बाद, इसी वजह से ये काफी ज्यादा तेजी से सॉलिडिफाई हो पाते हैं। लेकिन इनको किस मजबूती में बनाया गया है ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए कि आपने गुफाओं को बंद कर दिया लेकिन इतने मजबूत नहीं है तो इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो मीन कि अगर इजराइल ने ये बनाया है उसका यूज ये करेगा, जिसका मतलब है कि आप मान के चलिए कि जो जो गाज थी निकल रही है ये क्या होगी, पूरी तरीके से पत्थर की तरह मजबूत होगी, तभी ये काम करेगी, अदरवाइज वो बंद भी इसको कर देंगे फिर भी वो बहुत ज्यादा देर तक उनको रोक नहीं पाएगा, तोड़ के बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब इसको जो बनाया गया है ये काफी ज्यादा सॉलिडिफाई है, काफी ज्यादा मजबूत है, इसकी वजह से इनको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो अब ये करेंगे क्या दोस्तों, आखिर जैसा कि आप ये करेंगे क्या, चलिए इन्होंने बना भी लिया, देखिए आपको पता है कि जो इजरायली सेना है वो क्या कर रही है, जैसे ये बॉर्डर है, ठीक है, ये जो बॉर्डर है गाजा का ये इसके अंदर घुस नहीं पा रही है, ठीक है, क्यों नहीं घुस पा रही, क्योंकि यहाँ पे गुफाएं हैं, कहाँ कौन कहाँ है, कहाँ से निकल के मार दे इनको नहीं पता, ये अंदर जाएंगे तो निश्चित है ये मारे जाएंगे। इसीलिए क्या कर रहे हैं ये, अब क्या करेंगे, एक तरफ से क्या करेंगे, अटैक करना शुरू करेंगे और एक एक गुफाओं को ये बंद करते जाएंगे, एक एक गुफाओं को ये धीरे 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 बंद करते जाएंगे, और इस तरीके से ये क्या करेंगे, जब सारी गुफाएं बंद हो जाएंगी, जैसे मान ली उन्होंने क्या किया, इतने एरिया का गुफा बंद कर दिया, तो अब इन्हें उन्हें से भी इतने एरिया पर ही काम करना है, अगर वो इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक आइडिया मिल जाएगा, तो वहां पर जाके वो मार भी सकते हैं उन्हें, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा काम आसान बना देगा, मतलब रास्तों को बंद करते चलेंगे और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते चलेंगे। जब अमेरिका वियतनाम का युद्ध हुआ था दोस्तों तो वहां भी यही प्रॉब्लम आई थी कि जो लोग थे वो गुफाओं के अंदर थे तो उनको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, अगर अमेरिका भी उस टाइम पे ये यूज करता, ठीक है, तो शायद वो भी काफी सफल होता, लेकिन वो नहीं कर पाया, ठीक है, तो यहां पर ये पूरा टैक्टिक्स ये अपनाएंगे, तो इस तरीके दोस्तों ये काम करेंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको ये बता दूं, जब मैं इसमें रिसर्च कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था, तो कहीं भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली, यानी कि इसके बारे में जो केमिकल के बारे में जानकारी है वो नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बता दूं वीडियो में तो जाहिर सी बात है कोई हमास का देख रहा वो भी बना ले, कोई भी बना ले, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी मिलती ही नहीं है, हम कितना भी ट्राई कर लें उनकी जो रियल जानकारी हमें नहीं मिलती है। जैसे लेजर की बात करें, लेजर बम की, तो हमें वो तो पता चल जाएगा लेजर बम कैसे बना है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, जब एक्यूरेसी की बात आती है, तो कौन से इक्विपमेंट इसमें यूज किए गए उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, हम सिर्फ थ्योरी यहाँ पे चीज़ें बता सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि कभी कभी लोग ये कमेंट करते हैं कि सर आप जो बताते हैं वो न्यूज में है या नहीं, तो आप देखेंगे मैं जब भी बताता हूं एक कट लगाता हूं न्यूज का, हमेशा वहां पे ये होता है, ठीक है। जो चीजें कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आईएएस में नहीं आता, ये नहीं आता है, तो दोस्तों मेरा एक दोस्त था पीसीएस एग्जाम दे रहा था, तो दो क्वेश्चन उसने मुझसे पूछे, एक क्वेश्चन उसने पूछा कि जो गगनयान था उसमें कौन सा रॉकेट, ये जो चंद्रयान था कौन सा रॉकेट यूज हुआ था, और कार्डियक जो बीमारी होती है, जो दिल की बीमारी होती है वो किस वजह से होती है, ये दोनों हमने लेक्चर कवर किए थे और ये दोनों क्वेश्चन पीसीएस में आए थे। तो जो चीजें हम बताते हैं दोस्तों प्रॉपरली करंट का होता है वो, और प्रॉपरली टेक्नोलॉजी पे होता है, तो आप ऐसे कह नहीं सकते हैं कि यूपीएससी में आएगा कि नहीं आएगा, यही सारे क्वेश्चन आते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप कभी यूपीएससी का सिलेबस उठा के देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आप यहीं से आते हैं, और आप देखेंगे जो लेक्चर आते हैं वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी पे आते हैं, प्रॉपर रिसर्च चीजों पे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी अपने आप से आ गया। अभी पताल लोक का जो मैंने बताया था,
तो पता लोगे हेडलाइन था जो न्यूज ने कवर किया, जैसे गॉड पार्टिकल होता है तो रियल नाम गॉड पार्टिकल नहीं है, उसका नाम हिग्स बोसोन है, लेकिन एज जो नाम दिया जाता है, हेडलाइन दी जाती है, तो उसे हम यूज करते हैं ताकि जो हेडलाइंस है वो रियल रहे, इस वजह से इनका यूज किया जाता है। तो जो चीजें हम पढ़ाते हैं वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी पे होती है, प्रॉपर साइंस पे होती है। सब कह नहीं सकते ये यूपीएससी में आएगा कि नहीं आएगा, यही यूपीएससी में आता है। जब साइंस और टेक्नोलॉजी का आप उठा के आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं लेक्चर से फंसे हुए होते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें ताकि जो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ सके। यार 2-3 साल में आप 1 से 1.5 लाख रुपए गवाते हो, तो यहां 299 में आप 2-3 लाख बचा सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।